इतने पैसे लोगी। जब मैंने इसे शॉर्ट किया तो कहा तुम्हारी और लड़कियां भी आती हैं, उसने और लड़कियों पे भी उंगली उठाई और उसके साथ साथ उसने और लड़कियों पे उंगली उठाई। फिर जब मैंने शॉर्ट किया तो मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया, वहाँ पर किसी भी स्टाफ ने ना डॉक्टर ने साथ दिया। फिर मैं अपनी मैम को कॉल की, फिर मैम मुझे वहाँ से लेकर आ गई, तो हमने सी एस साहब के ऑफिस में कंप्लेन की। उस कंप्लेन के बाद उसने कहा कि मंडे को इंक्वायरी है, तो उसके बाद मेरे मोबाइल पे धमकी आ रही थी, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि ये कर देंगे, ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिर उसके बावजूद भी आज सुबह के टाइम आया कि हाँ पैसे ले लो, कमिटमेंट चेंज कर लो, उन लड़कियों को भी लेकर आ जाओ, इस टाइप के मैसेज आए। मैसेज क्या है वो मैं बता रही हूँ। फिर ना मेरे रोने लगी तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला चल उससे जाके बात करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर हम गए तो ओटी में मैंने जाते उसको बोला ये मेरा मोबाइल देखो, ये अब तुम क्या कर रहे हो, जब इतना कुछ कह दिया उसकी इंक्वायरी में फिर क्या कह रहे हो, उसके बाद क्या कह रहे हो। तो उसने मेरा मोबाइल को धक्का दिया, मुझे यहाँ से बांध से पकड़ा और मुझे थप्पड़ मारे, फिर हम मुझे बचाया और मारते रहे बचाने के चक्कर। आपका मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल वही ओटी में गिरा था, उन्होंने रख लिया। ठीक, आप बताएं बेटा क्या मसला हुआ था, आप साथ थी इनके? जी हाँ मैं कल आज साथ थी, हमें ये इसमें ब्लैकमेल किया, ये कल परसों से ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहा है कि बात खत्म कर दो, पैसे देने को तैयार है। और इसके बाद फिर आज हम गए, जैसे हमने मोबाइल दिखा कि आप फिर हमें इतना कुछ होने के बाद अभी भी आपके पास ज्यादा पैसा ना, हमें ये कर रहे हैं ये बोल रहे हैं, इसके बाद से मोबाइल हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, हमें धमकियां मिल रही है, अभी भी हमें धमकियां मिल रही है और हमें तहफ़ुज़ दिया जाए। और इसका इस डॉक्टर का प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, गाया से इसने एक पेशेंट के साथ ज्यादती की, सिंगल में ज्यादती की, और हमें पुलिस भेजी हमें अरेस्ट करने के लिए, उनके लिए अभी पुलिस मंगवाई जाए, हमें इतना यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। आप अपना निशान दिखाओ, निशान दिखाओ, हमारा केस दर्ज करो इस डॉक्टर के खिलाफ। आ जाओ बस आ जाओ।